अच्छा जी, जो आज प्रीति साई के साथ अवध व्यवहार हुआ और समाज भी कलकत्ता की वो साधु सेवा समिति के विरोध में है, वो लोग कहते हैं कि आपने प्रीति साई जी का बहिष्कार किया है और जो उन्होंने ऐसा गलत व्यवहार किया उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने प्रतीक सागर जी का कभी बहिष्कार नहीं किया और ना संशय निकाला। ये लोग मनगढ़ंत बातें करते हैं। जब वो कलकत्ता की तरफ रवाना हुए तो इजाज़त मैंने ही दी थी। दूसरी बात, ये लोग पंथवादी हैं। भले ये मुनि समिति के नाम से जी रहे हों लेकिन इनकी आस्था देश के सभी मुनियों के प्रति नहीं है, किसी एक मुनि को ही मानते हैं और वो एक मुनि ही इनको संचालित करते हैं। मेरे जितने शिष्य हैं बहुत अच्छे हैं, साधक हैं, और आज देश के अंदर अगर जैन धर्म की प्रभावना हुई तो तरुण सागर, पुलक सागर, प्रज्ञा सागर, सौरभ सागर, प्रमुख सागर, है ना, प्रसन्न सागर जी महाराज, आज जिनकी तप साधना सन्मति सागर की छाया की तरह चल रही है। तो जो शिष्य जिन्होंने 20 साल तक साधना की है और उन पर ऐसे आरोप लगाने के पहले उन्हें सोचना था कि हम क्या कर रहे हैं। जिनके पास अगर एक आध फोटो खाते का हुआ ले लेते तो मुझे बहुत खुशी होती। ये सब एक उनका षड्यंत्र है और मैं निवेदन कहना चाहूँगा समाज से, वालों ने पहुँचाया मुनि सेवा समिति ने, मुझे लगता है कि समाज कितनी सावचेत है, कितनी सावधान है, कितनी मुनि के प्रति आस्था रखती है। मैं उन लोगों को आशीर्वाद देता हूँ कि अगर आप लोग ही अगर रहे और ऐसे श्रावक रहे देश में जगह जगह, तो आज हमारा धर्म बहुत आकाश की तरफ जाएगा। और जो लोग ये कर रहे हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, जिन्होंने कपड़े पहनाए उन्हें सद्बुद्धि दे, और जो आपने ये बीड़ा उठाया है मुनि को बचाने का और धर्म को बचाने का, संस्कृत को बचाने का, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सुखी रहें, संपन्न रहें और हमारी मुनि परंपरा पंचम काल के अंतिम समय तक चलती रहें।